सो हेलो गाइस, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ESP32 के बारे में। तो ये है Arduino Nano, ये है ESP32 और ये है Raspberry Pi। इनके ऊपर भी वीडियोस आने वाले हैं, बट आज हम बात करने वाले ESP32 के बारे में। तो ESP32 क्या है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसके पावर मॉड्यूल्स, इसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इसको प्रोग्राम करने के लिए कौन से लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं, और उसके मल्टीटास्किंग के बारे में बात करेंगे। सारी स्पेसिफिकेशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं मुझे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ESP32 क्या है। तो ESP32 एक माइक्रो कंट्रोलर है जो कि एक लो कॉस्ट लो पावर कंजप्शन डिवाइस है जिसमें इनबिल्ट वाईफाई और ब्लूटूथ आता है। तो इसे बनाया है एक्सप्रेसिव सिस्टम्स ने, जो कि एक शंघाई बेस्ड चाइनीज कंपनी है। तो ये है ESP32। अभी हम इसकी बात करेंगे स्पेसिफिकेशंस की। तो अभी हम बात कर रहे थे ESP32 के स्पेसिफिकेशंस की। तो इसमें ड्यूअल कोर है, और इसमें जिसका मतलब है इसमें दो प्रोसेसर्स है। तो पहले कोर का नाम दिया गया है एप्लीकेशन CPU, और दूसरे कोर का नाम दिया गया है प्रोटोकॉल CPU। तो प्रोटोकॉल CPU करता क्या है, प्रोटोकॉल CPU हैंडल करता है वाईफाई एंड इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स, और उसमें आता है ADC और DAC, जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो और उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें आते हैं, और जो एप्लीकेशन CPU है, जो उसका सेकंड कोर है, वो हैंडल करता है कोड्स को, जो हम प्रोग्राम करते हैं वो कोड्स हैंडल करते हैं। और इसमें मल्टीटास्किंग का भी ऑप्शन आता है जो पॉसिबल है ESP32 में। इसमें वाईफाई है, ब्लूटूथ है, और 32-bit का प्रोग्राम आप इसमें रन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशन हैं इसके, जैसे कि आप क्लॉक फ्रीक्वेंसी को रन कर सकते हैं 240 MHz पे, और इसके रैम है 512 KB, और इसमें पर्टिकुलर बोर्ड में आपको 30 पिंस दिख जाएंगे 15-15 के रो में दोनों साइड पे। और इसमें वाइड वेराइटी ऑफ पेरीफेरल्स है, जैसे कि ADC और DAC और UART, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। और इसमें बिल्ट इन हॉल इफेक्ट और टेम्परेचर सेंसर है, जिससे कि आप इसका टेम्परेचर आप देख सकते हैं। इसमें बिल्ट इन है सब कुछ, एक्सटर्नली लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। हॉल इफेक्ट और टेम्परेचर सेंसर इसमें इनबिल्ट है। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट्स के बारे में, जिससे कि हम इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो अभी बात आती है इसको आप किस चीज़ से प्रोग्राम कर सकते हैं, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यही इसकी खासियत है, आप इसे 5 different लैंग्वेजेस से प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे कि अभी Arduino IDE हो गया, जो सॉफ्टवेयर है फ्री में अवेलेबल है Arduino का, उससे आप इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। एक्सप्रेसिव का IDF, जो कि IDE डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, उससे भी आप इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। JavaScript, जो कि आप सबको पता होगा, उससे भी आप इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। MicroPython हो गया, और Lua जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उससे भी आप इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसमें वेराइटीज बहुत मिलेंगे आपको प्रोग्राम करने के लिए, आप उनसे इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो अभी हम इसके बात करेंगे स्पेशल फीचर्स के बारे में, जो कि ESP32 के हैं। चलिए उसको देखते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं ESP32 के स्पेशल फीचर्स के बारे में। तो अभी हम बात करते हैं पावर मोड्स में। तो पावर मोड्स में इसमें 5 पावर मोड्स आते हैं, जो कि एक्टिव मोड, मॉडर्न स्लीप मोड, लाइट स्लीप मोड, डीप स्लीप मोड और हाइबरनेशन मोड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्टिव मोड के बारे में। तो एक्टिव मोड में जो नॉर्मल मोड होता है उसे ही हम एक्टिव मोड कहते हैं, जिसमें सब कुछ एक्टिव होता है। तो अभी हम बात करते हैं मॉडर्न स्लीप मोड के बारे में। तो मॉडर्न स्लीप मोड में सब कुछ एक्टिव होता है, और वाईफाई, ब्लूटूथ और रेडियो डिसेबल होता है। ये है मॉडर्न स्लीप मोड। और अभी हम बात कर ले लाइट स्लीप मोड के बारे में। तो लाइट स्लीप मोड में जो चिप है फॉलो स्लीप पैटर्न फॉलो करता है, तो लाइट स्लीप मोड में सिर्फ स्लीप पैटर्न फॉलो होता है। और डीप स्लीप मोड में हम बात करते हैं, जिसमें RTC कंट्रोलर और RTC पेरिफेरल सिर्फ एक्टिव होते हैं, बाकी सब बंद होता है। सिर्फ RTC कंट्रोलर और RTC पेरिफेरल, ये दोनों एक्टिव होते हैं। और हाइबरनेशन मोड में कुछ भी एक्टिव नहीं होता, मतलब आज कोई भी वे नहीं होता इसको प्रोग्राम करने के लिए। तो ये हाइबरनेशन मोड है। तो इसके मल्टीटास्किंग में आता है, मतलब आप पीस ऑफ कोड्स साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं दोनों कोर में। तो ये इसकी मल्टीटास्किंग है। तो ESP32 के स्पेशल फीचर्स ये है। तो पर्सनली मुझे ESP32 बहुत अच्छा लगता है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, इनबिल्ट वाईफाई, ब्लूटूथ, बहुत सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल है। तो अभी बारी आती है आप इसे कहाँ से खरीदोगे। तो बहुत सारे साइट्स पे अवेलेबल है, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और बहुत सारे इंडियन मार्केट में ये आपको मिल जाएगा 600 rupees के प्राइस में। तो नीचे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको बाय करना है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो ये काफ़ी चीप है, और इसे इजीली परचेस कर सकते हो आप।
तो ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या था कि आपको ESP32 के बारे में बताना था, और इसके बारे में रिलेटेड और भी वीडियोज आने वाले थे, इसलिए मैंने ये पहले अपलोड कर दिया कि ESP32 क्या है। तो अगला वीडियो आएगा कि इसमें आप प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हो, इसका सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, उसके बारे में भी वीडियोस आएंगे। तो अगर आपको ESP32 के बारे में और भी कुछ जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके बारे में प्रोजेक्ट्स आने वाले, जैसे कि आप होम ऑटोमेशन कर सकते हैं, अपने अप्लायंसेस आप ऑटोमेटिकली मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में भी वीडियोज आने वाले। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।